ये हम किसी को जेल में डालें और बिना बात के यादवों को छेड़ना कोई तितली के पंख तोड़ना तो है नहीं, यादव बगावत कर देंगे, क्योंकि बाबा जी तुम नहीं जानती हो निशानी पर लगे जाकर उसे हम तीर कहते हैं। तीर कहते हैं उसे हम तीर कहते हैं, कहते हैं काले सर्प को आई अहीर बुरे अही से बुरो अहीर अही बाचा को मान ले पर बाचा तने अहीर के हम किसी को जेल में कैसे डाला, कोई कारण तो हो। नारद बोले हाँ लला हम तो जय चाहते थे कितनी जल्दी कल्याण हो जाए और धीरज से निकल गए। कंस ने पत्र लिखा यादवों के नेता बाबा नंद से, श्री नमस्ते हमें दो छपरिया कमल के फूलों की बड़ी जरूरत है, आप भिजवा दीजिए और नहीं भिजवाए तो मैं तुम्हारी से दो छपरिया नील कमल के फूल मंगवाए हैं, नहीं आए तो वो सारी बिरादरी को जेल में डलवा देगा। जसोदा रोने लगी बेटी, तो ले भगवान कन्हैया आ गए, मैया रो रही हो मां, कौन है वो बहादुर और कौन है वो मां जिसने उस बुजदिल को जन्म दिया, जिसने तुम्हें रुला दिया। पूछे लला कन्हैया, लला को हमने बड़ी मुसीबत से पालो,
लला को रोटी पियाई, पानी खवाओ, सब्जी सुंगाई। माँ अभी तुम जानती नहीं हो हमारे अंदर भैया के अंदर ताकत कितनी है। भैया ताकत तो हमारे अंदर थी तब तो तुम्हारे अंदर आई, हमें कमजोर होती तुम मूंगफली का जो लिफाफा पैदा भे होते, बड़े माल खाए जब तुम पेट में थे। मेरी बात सुन भैया। भैया मारे गए एक लात तब साथ भी कोस उड़े जाएगा, अब मेरे एक तमाचे में वो कमी न उठने पाएगा। तेरा दिल तोड़ा है बदला दे कौन छोड़ा है। माँ पृथ्वी को उलट पुलट कर दूं, ब्रह्मांड को उठाकर फेंक दूं, हवा को बंद कर दूं, कौन है वो बहादुर, कौन है वो नीच जिसने तुम्हें रुला दिया? बोल माँ। वो पुत्र ही क्या है जब माँ की आंखों में आंसू देखे? कछु मत पूछे कन्हैया। बोलो। कंस ने काली देसे दो छपरियां कमल के फूल मंगाए, अगर ना आए तो सारी बिरादरी सहित जेल में डाल दिए। माँ तुम भी कंस के लिए तुरंत पत्र लिख दीजिए और उसमें ये लिख देना कि जेल में डालने की धमकी लुच्चों और लफंगों को देना, यादवों को नहीं। जेल हमारे लिए जेल नहीं है बल्कि सच्चा सत्याग्रह मंदिर है। हम यदवंशी हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। और माँ रही बात फूलों की, वो बाद में करेंगे, हमें भूख लगी माखन रोटी दे दे। रोटी तो नहीं करी पाई जब से खबर मिली रुई में लगी रही, कल को माखन दरो भाई वाले खाए। भगवान बोले मैया।